नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। क्या आपके हाथों में नसें दिखाई देती हैं? अगर हाँ तो ये समस्या हो सकती है। अधिकतर लोगों के हाथों पर नसों का उभरना सामान्य हो सकता है। ऐसे में हाथों पर नसें दिखाई देने के बाद भी व्यक्ति आराम से रोजमर्रा के कामों को कर सकता है, लेकिन कुछ लोगों में हाथों पर नसों का दिखना बड़ी समस्या हो सकती है। ऐसी स्थिति में हाथों की नसों पर दर्द महसूस हो सकता है, लोगों को कामकाज करने में दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन आखिर हाथों की नसें क्यों दिखती हैं, या फिर हाथों की नसें क्यों फूलती हैं? हाथों में नसें बाहर क्यों निकलती है? तो आइए इन सब सवालों का जवाब जानते हैं इस वीडियो में। हाथों की नसें क्यों दिखती हैं? वजन कम होना। जिन लोगों का वजन कम होता है उनकी हाथों पर नसें दिखाई देती हैं। हाथ पर कम फैट तो नसें साथ दिखाई देती हैं। वैसे तो ये समस्या होती है, लेकिन कुछ लोगों को हाथों की उभरी हुई नसें परेशान भी कर सकती हैं। एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज करने पर शरीर का तापमान काफी बढ़ जाता है, गर्मी की वजह से हाथ पर नसें दिखाई दे सकती हैं। एक्सरसाइज करने से ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ जाता है, जो हाथों की नसें दिखाई देने का कारण हो सकती हैं। जब एक्सरसाइज करते हुए अधिक वजन उठाया जाता है तो ब्लड सर्कुलेशन में वृद्धि होती है, इससे मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं और नसें फूली हुई दिखाई देने लगती हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज करने से ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, इससे आपकी नसें त्वचा के करीब आ जाती हैं और नसें उभरी हुई नजर आने लगती है। लेकिन जब ब्लड प्रेशर सामान्य होता है तो हाथ की नसें सामान्य हो जाती हैं। जेनेटिक। अगर आपके घर में किसी व्यक्ति के हाथों में उभरी हुई नसें हैं तो संभावना है कि आपको हाथों पर भी नसें दिखाई दे सकती हैं। यानी जेनेटिक कारण भी हाथों पर नसें दिखाई देने की एक वजह हो सकती है। बढ़ती उम्र। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है त्वचा पतली होती जाती है, त्वचा लोच खोने लगती है और हाथों पर नसें अधिक दिखाई देने लगती है। उम्र बढ़ने पर नसों का वॉल्व कमजोर हो जाता है, इससे नसों में रक्त जमा होता है और नस उभरी हुई दिखाई देने लगती है। अगर आपकी हाथों की नसों में कोई दिक्कत है या आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।